भारत योजना अंतर्गत हिंगनघाट रेलवे स्थानक के विकास के लिए 24 करोड़ की निधि मंजूर की गई। आने वाले कुछ समय में हिंगनघाट रेलवे स्थानक का कायापलट होगा, ऐसी जानकारी सांसद रामदास तड़स ने दी है। आज से 3 रेलवे गाड़ियों को स्टॉपेज दिया गया है। आज सुबह चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस इस गाड़ी का आज सुबह 9 बजे प्रथम आगमन हुआ। हिंगनघाट रेलवे स्थान पर कोरोना काल में बंद किए गए 3 रेलवे गाड़ी के स्टॉपेज शुरू किए गए, जिसमें चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस इस गाड़ी का आज सुबह 9 बजे प्रथम आगमन हुआ। व्यासपीठ पर भाजपा महामंत्री किशोर दिघे, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रेम बसंतानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अतुल वांदिले, रेलवे अधिकारी खैरकार व श्रीवास्तव की प्रमुख उपस्थिति रही। आगे बोलते हुए सांसद तड़स ने कहा कि हिंगनघाट में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, यह सभी गाड़ियों के स्टॉपेज शुरू करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। अब 3 गाड़ियों के स्टॉपेज हिंगनघाट स्थान पर शुरू हुए हैं, जिसमें कोरोना काल में बंद हुए कटरा एक्सप्रेस, जयपुर एक्सप्रेस व गोरखपुर एक्सप्रेस के स्टॉपेज मंजूर हुए हैं। बाकी गाड़ियों के स्टॉपेज भी शुरू करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा और आगामी समय में इन गाड़ियों के स्टॉपेज मिलेंगे। इस प्रसंग पर विधायक समीर कुनावार ने रेलवे स्टॉपेज के लिए लगातार कोशिश करके यहां स्टॉपेज शुरू किए गए हैं। साथ ही वर्धा बल्लारशाह रेल यात्री संघ ने भी इसके लिए पुरजोर कोशिश की। NBCN न्यूज़ के लिए रवि येनोरकर की रिपोर्ट।